हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्म साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 232 नर्वस सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हुए। हम लोग आज नया ही टॉपिक पे चलेंगे जिसमें हम नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब तक हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की फंक्शनिंग, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयन गेटेड चैनल्स, इन सब के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया है पिछले 7 लेक्चर्स में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर की तरफ और आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो टोटल बॉडी वेट का 3% जो बॉडी वेट है वो हमारे नर्वस सिस्टम का रहता है और टोटल वेट रहता है करीब 2 kg। दी एंटायर नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। नर्वस सिस्टम के डिवीजन में बेसिकली नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आपके नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पोर्शन है। सेंट्रल पोर्शन है मतलब कोर पोर्शन है। बेसिकली जितना भी प्रोसेसिंग का काम है वो सारा यही नर्वस सिस्टम दिखेगा, इसलिए ये सेंट्रल मोस्ट यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका सेंट्रल के आसपास जो पेरिफेरी वाला काम है वो सारा नर्वस सिस्टम देखता है। इसको मैं एक कंप्यूटर एनालॉजी के साथ में इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सीएनएस और पीएनएस में क्या डिफरेंस है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी सारा का सारा नर्वस सिस्टम के सारे कॉम्पोनेंट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहे हैं नर्व्स की बात करें, नर्व्स हो गए, रिसेप्टर्स होंगे, प्लेक्सिस हो गए, गैंग्लिया हो गए, ऐसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। सीएनएस इंक्लूड्स बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एवरीथिंग एक्सेप्ट सीएनएस, एवरीथिंग आउटसाइड सीएनएस फॉर्म्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग नर्व्स, गैंग्लिया, एनी प्लेक्सस और सेंसरी रिसेप्टर्स, ये सभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पीएनएस को अगर हम देखें तो पीएनएस को भी 3 डिविजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, सोमाटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को और आगे फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इंटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो चलो शुरुआत करते हैं इन सभी नर्वस सिस्टम, सोमाटिक, ऑटोनोमस, एंटेरिक, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, इनके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलके एंटायर प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। देखो इसको आप समझो एक एक लैपटॉप या कंप्यूटर के बेस पे। देखो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में एक होता है सबसे मेन चीज जिसको आप कहते हो प्रोसेसर यानी सीपीयू, जिसे आप कहते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारा काम सीपीयू देखता है। उसके अलावा होगा इनपुट, जहां से हम लोग सीपीयू तक कोई चीज पहुंचाएंगे, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू जब हम टाइप करते हैं या कोई फंक्शन कैरी आउट करेंगे तो कीबोर्ड इनपुट का काम करेगा, या फिर माउस, माउस के थ्रू भी हम कोई ना कोई सिग्नल पहुंचाते हैं, कोई फाइल ओपन करना है या कुछ टाइप करना है, तो ये सभी इनपुट कहलाते हैं। और ये सभी इनपुट को प्रोसेस कौन करेगा, एक सीपीयू। अब सीपीयू इनको प्रोसेस करके उसका आउटपुट निकालता है। आउटपुट जैसे मैंने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, मैंने लिखा इल्यूम साइंस, तो कीबोर्ड ने केवल वो टाइप किया इल्यूम साइंस, प्रोसेसर उस इल्यूम साइंस को जो टाइप हुआ है उसको प्रोसेस करेगा और उसको शो करेगा आगे स्क्रीन के ऊपर। तो आपका स्क्रीन क्या हो गया, आउटपुट, या फिर प्रिंटर पे वो प्रिंट करके देगा तो दैट इज आउटपुट। कुछ इसी तरह से अपना नर्वस सिस्टम काम करता है। अब अपने नर्वस सिस्टम में सीपीयू का रोल प्ले कौन करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इनपुट और आउटपुट वाला काम करके देगा अपने को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बस यही सीएनएस और पीएनएस का मेन रोल रहता है। अब 3 मेजर फंक्शंस जो नर्वस सिस्टम के हैं, पहला है इनपुट यानी सेंसरी फंक्शन, सेकंड है जो प्रोसेसर करेगा यानी इंटीग्रेशन, और तीसरा है मोटर फंक्शन। देखो जो कंप्यूटर में आप जिसको इनपुट कह रहे हो वो हमारे लिए सेंसरी फंक्शन है। कोई भी सेंस जैसे टच हो गया, हीट हो गई, या मैं कुछ देख पा रहा हूं या मैं कुछ सुन पा रहा हूं, ये सब हमारे लिए इनपुट है, ये सेंसरी फंक्शंस कहलाते हैं। अब इन सभी सेंसरी फंक्शंस जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचेंगे तो इन सभी को इंटीग्रेट किया जाता है और उसको इंटीग्रेट करके उसका फाइनल रिजल्ट या फाइनल आउटकम निकाला जाता है, जिसे आप कहते हो मोटर फंक्शंस। देखेंगे हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू इसको। तो इनपुट सेंसरी का काम करेगा, प्रोसेसर इंटीग्रेशन का काम करेगा और आउटपुट हमारे लिए मोटर फंक्शन है नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंसरी फंक्शन में
जिस तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी आपका सीपीयू अलग अलग स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, कीबोर्ड की सिग्नल को या माउस के सिग्नल को, उसी तरह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो सेंसरी फंक्शन है, अब वो सेंसरी फंक्शन का काम होगा जितने भी अलग अलग स्टिमुलाई आप तक पहुंच रहे हैं उन सबको डिटेक्ट करना, टच, टेम्परेचर या एनीथिंग। अब स्टिमुलाई इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर से भी स्टिमुलस हो सकता है कोई और बाहर से भी कोई स्टिमुलाई आ सकते हैं। इंटरनल की जैसे बात करें हमें एग्जांपल, तो हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना। अब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा। अभी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर प्रेशर का जो स्टिमुलस है ये पहुंचेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेगा कि इस बढ़े हुए बीपी को वापस कम कैसे करना है, तो ये आउटपुट के थ्रू यानी मोटर फंक्शन के थ्रू इस ब्लड प्रेशर को वापस कम करवाएगा। या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कुछ भी हो सकता है, कोई टच, ठीक है, हीट, ठीक है, उसके अलावा लाइट, ये सभी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। अभी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी किया जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास थ्रू क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, थ्रू क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। आप ऐसे समझ लो कि आपका कीबोर्ड जो इनपुट दे रहा है वो सीपीयू तक कैसे पहुंचेगा, वो सीपीयू तक पहुंचेगा बाय सम इलेक्ट्रिक वायर्स। आपका कीबोर्ड कैसे वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है सीपीयू में, तो इसी तरह से जितना भी सेंसरी यूनिट्स हैं बॉडी में वो सभी के सभी नर्व्स के थ्रू, किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू, जिसे आप कहते हो सेंसरी नर्व्स, उनके थ्रू पहुंचता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। और सिमिलरली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी जो मोटर फंक्शन करवाएगा वो भी वापस नर्व्स के थ्रू कराएगा, जिसे आप कहते हो मोटर नर्व्स। तो ये कनेक्शन मोटर नर्व्स है और ये कनेक्शन आपका सेंसरी नर्व्स का है। इंटीग्रेशन की बात करें तो जितना भी सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उन सबको सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालाइज करेगा। एनालाइज करके फिर क्या करना है उसके रेस्पॉन्स में, उसका डिसीजन लेना, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। और उसके बाद में आता है मोटर फंक्शंस की, जो हमने डिसीजन लिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको कैरी आउट कैसे करना है, वो कहलाता है मोटर फंक्शन। वंस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड, सेंसरी इंफॉर्मेशन आया उसको हमने इंटीग्रेट किया, अब नर्वस सिस्टम एक एप्रोप्रिएट मोटर रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और ये मोटर रेस्पॉन्स एक्टिवेट करेगा अफेक्टर्स को। अब अफेक्टर्स आपके केस में मसल्स हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं वाया अगेन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अफेक्टर्स किस तरह से काम करेंगे वो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको मोटर फंक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। चलो शुरुआत करते हैं। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन है, ब्रेन में आपका 85 बिलियन न्यूरॉन्स, कितने, 85 बिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब 85 बिलियन न्यूरॉन्स जब मिलकर काम करते हैं तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रोसेसिंग हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी जो हमारे प्रेजेंट है, ये आपको यहाँ पे जो एंटायर कॉर्ड दिख रही है दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होती है, और इसमें भी करीब 100 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो इट प्रोसेस मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। उसके अलावा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस और ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को भी कंट्रोल करता है। मैं मेरा हाथ मूव कर रहा हूँ तो ये हाथ मूव कर रहा है बिकॉज मेरा ब्रेन मेरी मसल्स को वाया मोटर नर्व्स जो है वो सिग्नल दे रहा है फॉर मूवमेंट। या फिर ग्लैंडुलर सिक्रेशंस, आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सबका सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके अलावा हमारे थॉट्स, इमोशंस, हमारी मेमोरीज, इन सब का जो मेन सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस की तरफ, यानी आपका कीबोर्ड और आपका माउस, प्रिंटर या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स में सबसे पहले आएंगी नर्व्स, उसके बाद में गैंग्लिया, उसके अलावा एंटेरिक प्लेक्सस और सेंसरी रिसेप्टर्स। समझते हैं इनके बारे में। देखो वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा नर्व, अब बेसिकली नर्व है क्या, आपको न्यूरॉन अगर याद हो तो न्यूरॉन के आपको पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, इसको आप कहते हो साइटोन और ये साइटोन से निकलता है एक लंबा सा एक्सॉन। नर्व्स बेसिकली क्या है, नर्व्स इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन्स, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉन्स मिलकर एक बंडल बनाते हैं। उसके साथ में एक्सॉन्स के अलावा कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स, इन सबको मिलाकर बनती है नर्व्स, ठीक है। अब ये नर्व्स जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर रहती है, ध्यान रखना है नर्व्स
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं होता, न उस पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये फिगर देखो आप, इस फिगर में आपको बंडल दिख रहा होगा कंप्लीट, ये कंप्लीट एक नर्व है। अब इस नर्व के अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स जो नर्व फाइबर्स कहते हो जिसे, ये इस तरह से बंडल बनाकर बैठे हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर इसके बारे में हम लोग आगे और जब डिटेल में पढ़ेंगे ना उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसका सिंगुलर होता है गैंग्लियन। जैसे तुम्हारा एक्सॉन्स का एक कलेक्शन नर्व कहलाता है, उसी तरह से जो सेल बॉडी यानी साइटॉन्स, साइटॉन्स सब मिलके बनाते हैं एक गैंग्लिया। यानी बेसिकली बहुत सारे साइटॉन्स मिलकर एक गैंग्लिया का फॉर्मेशन करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करता तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइटॉन का कलेक्शन गैंग्लिया नहीं कहलाता, उसको वहां पर कहते हैं न्यूक्लियाई। तो आपको न्यूक्लियाई और गैंग्लिया में डिफरेंस ध्यान रखना है। दोनों ही कलेक्शन है साइटॉन्स का, बट न्यूक्लियाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और गैंग्लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहते हैं। गैंग्लिया के बारे में आपने पढ़ा रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड में आपने पढ़ा होगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये गैंग्लियन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स इन पीएनएस। और डिटेल में जब स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आएगा तब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। एंटेरिक प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंटेरिक देखो, एंटेरो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। एंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन। तो जहां पे भी आप एंटेरो वर्ड सुने समझ लीजिएगा आप इंटेस्टाइन की बात कर रहे हो। और बेसिकली हम लोग यहाँ बात करें जब एंटेरिक प्लेक्सस तो नॉट ओनली इंटेस्टाइन, आपका कंप्लीट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कंप्लीट इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के अंदर जो एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स का, उस एक्सटेंसिव नेटवर्क को ही हम कहते हैं एंटेरिक प्लेक्सस। प्लेक्सस बेसिकली एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नेटवर्क। प्लेक्सस इज अ नेटवर्क। जैसे मैं बोलता हूँ वेनस प्लेक्सस, तो वेनस प्लेक्सस का मतलब हो जाएगा अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। सिमिलरली न्यूरोनल प्लेक्सस होता है आपके लिए न्यूरॉन्स का नेटवर्क, और एंटेरिक प्लेक्सस क्योंकि ये आपके जीआईटी में प्रेजेंट है, उनकी वॉल में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंटेरिक प्लेक्सस। इसको भी थोड़े टाइम में हम लोग डिटेल में इस डायग्राम के ऊपर आएंगे। सबसे लास्ट में सेंसरी रिसेप्टर्स, जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपकी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर रिसीव करेंगे, क्या रिसीव करेंगे, ये रिसीव करेंगे स्टिमुलाई। आपकी बॉडी के जितने भी स्टिमुलाई है, चाहे वो इंटरनल स्टिमुलाई हो या एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो, इन स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम, और इन को रिसीव करने का काम किसका है, सेंसरी रिसेप्टर्स का। दे मॉनिटर द चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसमें आने वाले बदलाव को मॉनिटर कौन करते हैं, सारे रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल है टच रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, फोटो मीन्स लाइट, ये फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके आई में, रेटिना के ऊपर। तो लाइट में आने वाले चेंजेस की वजह से हमें जो दिखाई देता है वो फोटो रिसेप्टर्स की वजह से। टच रिसेप्टर्स, जैसे हम लोग कोई चीज टच करते हैं तो उस टच का जो सेंसेशन है वो इन टच रिसेप्टर्स की वजह से रहता है। अभी जैसे आपके सामने एक फिगर है, ये एक आपका हमने स्किन का एनाटॉमिकल फिगर है, ये आपका स्किन का सरफेस हो गया। अब इस स्किन के अंदर आप देखो पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो जब पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलस मिलता है यानी जब ये एक्टिवेट होते हैं तो आपकी बॉडी को पेन फील होता है। उसके अलावा टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कोल्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और प्रेशर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो ये सारे रिसेप्टर्स अलग अलग स्टिमुलाई को सेंस करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स के साथ में। सबसे पहला कंपोनेंट है सोमाटिक नर्वस सिस्टम। देखो सोमाटिक नर्वस सिस्टम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। एक कैंडल है और हमने गलती से कैंडल की फ्लेम को टच कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता, बाजू में कोई चीज जल रही है या कोई हॉट सरफेस है, हम उसको गलती से टच कर लेते हैं। विद इन अ सेकेंड आपका हाथ वहां से मूव कर जाता है। वो क्या हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ सोमाटिक नर्वस सिस्टम। होता कैसे, बेसिकली फ्लेम पे जैसे ही हम टच करते हैं उसी वक्त हमारी फिंगर पे यानी जो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो रिसेप्टर्स ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होते हैं। अब रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होने के बाद में इस सेंस को यानी इस स्टिमुलस को ये नर्व्स के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, ये नर्व्स के थ्रू पहुंचाया जाता है कहां पर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये देखो इस फिगर में दिखा रखा है, हमने पहुंचा दिया सिग्नल को कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड ने इस आने वाले सेंस को रिसीव किया और ये समझा उसको कि ये डैमेज कॉज
कर सकता है। तो अब ये स्पाइनल कॉर्ड इसको इंटीग्रेट कर लिया इसने उस पूरे सिग्नल को, और अब इंटीग्रेट करके ये एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब ये जो रेस्पॉन्स है ये रेस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से हमारे स्केलेटल मसल्स तक कैसे पहुंचेगा, वाया अगेन मोटर नर्व्स। तो ये मोटर नर्व्स के थ्रू तुम्हारे स्केलेटल मसल तक ये रेस्पॉन्स पहुंचा, और जैसे ही ये रेस्पॉन्स स्केलेटल मसल तक आया उसी उसी सिग्नल से आपका स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपका हाथ उसी वक्त उस फ्लेम से दूर हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रेक्शन। तो ये काम करता है सोमाटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान से सुनना, डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग देखेंगे। सोमाटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो रिसेप्टर्स से निकलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में, जैसा अभी हमने देखा। बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस प्रोसेस को इंटीग्रेट करेगा और बाद में ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इन इंपल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां भेजेगा, स्केलेटल मसल्स में। अब यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि सोमाटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है केवल और केवल स्केलेटल मसल्स को। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स है उनको सोमाटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई नहीं करेगा। यही मेन डिफरेंस है सोमाटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। सोमाटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपकी कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है। अब वी वेरी वेल नो दैट स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, तो सोमाटिक नर्वस सिस्टम आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। क्लियर, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। सेंसरी न्यूरॉन्स यानी जो रिसेप्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अब उसमें देखो जैसा हमने बोला कि इसमें एक कौन कौन से रिसेप्टर्स है जो आपके हेड में या बॉडी वॉल में या लिम्स में, यानी आपके एंटायर बॉडी के ऊपर जितने भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो सारे सेंसरी रिसेप्टर्स सोमाटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। और उसके अलावा आपके जितने भी स्पेशल सेंसेस है यानी आपका विजन, आपकी हियरिंग, टेस्ट और स्मेल, इसको हम कहते हैं स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। तो विजन यानी आई, आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। हियरिंग, हियरिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके जो रिसेप्टर्स है ऑडियो रिसेप्टर्स जिसको आप कह सकते हो, ये ऑडियो रिसेप्टर्स हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपके सोमाटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट यानी कि आपके टेस्ट बड्स की बात कर ले हम लोग जो टंग के ऊपर प्रेजेंट है, और स्मेल यानी कि आपके नोज में, नोज के अंदर जो एपिथीलियम होती है ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम उसके अंदर ये स्मेल वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी आपके स्पेशल सेंस वाले रिसेप्टर्स। और उसके अलावा आपके बॉडी वॉल, हेड और लिम्स के ऊपर जितने भी रिसेप्टर्स है ये सारे सोमाटिक रिसेप्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमाटिक नर्वस सिस्टम। और मोटर रिस्पॉन्स वो केवल और केवल स्केलेटल मसल को देगा, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल को नहीं देता, इसलिए सोमाटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस आर वॉलंटरी। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब जैसा हम नाम से ही समझ रहे हैं ऑटोनोमस यानी जो अपने आप कंट्रोल होता हो, अपने आप कंट्रोल होता हो यानी आपकी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे अंडर नहीं होते, वो अपने आप आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने आप इन फंक्शंस को कैरी आउट करता है, वो मेरी इच्छा से या आपकी इच्छा से नहीं चलते। सोमाटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी था, वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑटोनोमस यानी अपने आप होने वाले इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा। अब देखो सिस्टम वही रहेगा, इसमें भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और ये भी मोटर्स करेगा फंक्शंस। अब सेंसरी न्यूरॉन्स, अब इसमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ये रिसेप्टर्स आपके इंफॉर्मेशन देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जैसा कि सोमाटिक में था, और बाद में मोटर न्यूरॉन्स जो रेस्पॉन्स लेकर जाएंगे ये इंपल्सिस को लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पर, स्मूथ मसल्स के पास, कार्डियक मसल्स के पास और ग्लैंड्स के पास। और हमें पता है ये तीनों ही फंक्शंस कैसे हैं, इन वॉलंटरी। आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ग्लैंड्स के थ्रू वो सारा काम इनवॉलंटरी है, और केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं, आपके स्वेट ग्लैंड्स ले लो, टीयर ग्लैंड्स ले लो, ये सारे के सारे इनवॉलंटरी काम करते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अपने आप ही काम चलता रहता है। सेंसरी न्यूरॉन्स में अगर इनकी बात करें तो ये सारे के सारे प्रेजेंट है आपके विसरल ऑर्गन्स के अंदर, जैसे स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, इनके अंदर ये सारे के सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑटोनोमस रहते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स। और सोमाटिक नर्वस सिस्टम में आपने इनको कहा था सोमाटिक रिसेप्टर्स, तो सोमाटिक नर्वस सिस्टम में सोमेटिक रिसेप्टर्स, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स, सेंसरी वाला काम। मोटर वाला काम सोमाटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल्स के थ्रू है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और ग्लैंड्स के थ्रू। अब जैसा हमने कहा कि दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और
पैरासिम्पेथेटिक। अब बात समझो, देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपने आप चलता है, तो ये किसी प्रोसेस को बढ़ाएगा तो अपने आप उसको कम भी करेगा। यानी इसके पास दो सिस्टम ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो। एंटागोनिस्ट मतलब होता है एक दूसरे का ऑपोजिट एक्शन करने वाले। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लोग हार्ट की बात करें, अब इस हार्ट के पास में सिंपैथेटिक सप्लाई भी है और पैरासिंपैथेटिक सप्लाई भी है। सिंपैथेटिक सप्लाई इस हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, जिस रेट पे हार्ट बीट हो रहा है उस रेट को इंक्रीज करने का काम किसका है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और जब ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो वापस उसको कम करने का भी काम जो है वो करेगा पैरासिंपैथेटिक, जो इसकी हार्ट रेट को करेगा कम। यानी दोनों ही फंक्शंस, हार्ट रेट बढ़ाने का काम भी तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास है, यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पास में बढ़ाने का भी काम है और कम करने का भी काम है। बढ़ाने वाला काम कर रहा है सिंपैथेटिक, कम करने वाला काम कर रहा है पैरासिंपैथेटिक, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शंस करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एंटेरिक इज इंटेस्टाइन, यानी यहाँ पे जीआईटी की जो वॉल है उस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वॉल के अंदर पूरा एक प्लेक्सस यानी एक नेटवर्क प्रेजेंट है न्यूरॉन्स का, और वो न्यूरॉन्स का नेटवर्क मिलके बनाता है आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम, या फिर आप इसे कह सकते हो ब्रेन ऑफ द गट। गट मतलब आपका एलिमेंट्री कैनाल, आपके एलिमेंट्री कैनाल का ब्रेन कहलाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। फिगर देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़े थे कि जो आपकी गट की जो वॉल है उस गट की वॉल में द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा, सबसे पहली म्यूकोसा की लेयर, उसके बाद में म्यूकोसा के बाद में आती है सब म्यूकोसा, यानी कि ये सेकंड लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर ये म्यूकोसा हो गई, म्यूकोसा के ऊपर आ गई सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद में आती है सर्कुलर मसल की लेयर, और उसके बाद में आएगी लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर, और सबसे बाहर आता है सीरोसा। ये पांच लेयर जो प्रेजेंट है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के गट की एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में। सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल के बीच में, यानी देखो यहां पर अच्छे से देखो, ये सब म्यूकोसा है आपका, सब म्यूकोसा का लेयर है, ये सब म्यूकोसा और ये सर्कुलर मसल्स, इन दोनों के बीच में आपको ये जो पूरा एक नेटवर्क दिख रहा है व्हाइट कलर का जो हमने शो कर रखा है, ये पूरा न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, इसको हम कहते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस। सब म्यूकोसल प्लेक्सस या सब म्यूकोसल नेटवर्क है ये न्यूरॉन्स का। और उसके अलावा ये सर्कुलर मसल्स और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में भी कुछ इसी तरह का एक नेटवर्क दिख रहा होगा आपको, ये एंटायर जो एक नेटवर्क दिखा रखा है इसको हम कहते हैं मायेंट्रिक प्लेक्सस। देखो मायेंट्रिक, मायो, मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स, मायो मीन्स मसल्स, और एंटेरिक अगेन इंटेस्टाइन आ गया आपका, यानी जीआईटी, यानी आपके जो जीआईटी की दो मसल्स यानी सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है दैट इज मायेंट्रिक प्लेक्सस, और सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल के बीच में जो प्रेजेंट है वो है सब म्यूकोसल प्लेक्सस। तो ये सब म्यूकोसल प्लेक्सस और मायेंट्रिक प्लेक्सस मिलकर बनाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन ऑफ द गट। अब इनका एक्शन हमेशा इनवॉलेंट्री रहेगा, आपके जीआईटी का कोई भी फंक्शन आपके हाथ में नहीं रहता। करीब 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए गए हैं एंटेरिक प्लेक्सस के अंदर। अब अगर ये पूछा जाए कि सर एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये जो इतना एक्सटेंसिव आपने 100 मिलियन न्यूरॉन्स लगा रखे हैं, इनका एक्चुअल में फंक्शन क्या होगा, आपका एलिमेंट्री कैनाल जो सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस करते हैं वो सब इसी की वजह से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेरिस्टाल्सिस। आपने पढ़ा रहेगा पेरिस्टाल्सिस के बारे में, इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आपका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है जिसकी वजह से फूड का आगे मूवमेंट होगा, तो दैट इज पेरिस्टाल्सिस, उसको कंट्रोल करने का काम। ठीक है, उसके अलावा आपके जीआईटी के जितने भी एंजाइमेटिक सिक्रीशंस हैं, अब आपको पता होगा एंजाइमेटिक सिक्रीशन ले लो या म्यूकस का सिक्रीशन ले लो, एचसीएल का सिक्रीशन ले लो, इन सब का कंट्रोल इन्हीं के पास में है। और उसके अलावा आपने पढ़ा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन सेल्स हैं जो अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स बनाते हैं, उन सभी हॉर्मोन्स का रिलीज या सीक्रेशन भी किसके अंदर आता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। यानी दो एंटायर फंक्शनिंग जो है गट की दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द गट। That's it. Thank you very much for watching us. Next part में हम लोग start करेंगे about the structure of brain. फिर धीरे-धीरे structure of spinal cord की तरफ भी पढ़ेंगे. Thanks for connecting with us.